धरना प्रदर्शन किया वे वकीलों को बुरा भला कहा, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये दिल्ली पुलिस का जो कंडक्ट है, आज जो डेमोन्स्ट्रेट किया है दिल्ली पुलिस ने, वो कंडक्ट जो है उनके सर्विस पुलिस एक्ट के का वायोलेशन है, और आर्टिकल 50 जो न्याय व्यवस्था को कार्यपालिका से अलग करता है उसका भी वायोलेशन है, और सरेआम उन्होंने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था दिल्ली पुलिस के लिए कि जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हो तब तक कोई इस तरह का एक्ट पुलिस ना करे जिससे कि कोई वकीलों के बीच में अनरेस्ट की पोजीशन, तो दिस वाज अ वेरी वेलकम स्टेप ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। और उसके बावजूद कानून व्यवस्था पर खुद ने प्रश्न खड़े कर दिए, उनका खुद का कंडक्ट उन्होंने देखा नहीं, और जिस तरह के अपशब्द उन्होंने कहे जो कि सोशल मीडिया, और क्योंकि ज्यादातर मीडिया में इसकी कवरेज नहीं आ रही है और एक पक्षी सा हो रहा है, लेकिन जिस तरह से पुलिस का जो रवैया रहा है, और मैं तो मांग करता हूं कमिश्नर ऑफ पुलिस से और होम मिनिस्ट्री से कि उनके खिलाफ, उनके कंडक्ट रूल्स के हिसाब से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक जिम्मेदार फोर्स है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, अगर वो लॉ को वायलेट करेंगे तो फिर देश में हालात अच्छे नहीं रहेंगे। और वकील एक प्रबुद्ध समाज है, अपनी सीमाएं जानता है, अगर उनको प्रवोक किया गया है, उनके ऊपर गोली जैसा मतलब गोली चला दी गई है, तो ऐसी स्थिति में वकील चुप तो नहीं बैठेगा। हम जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है अपनी बात को कहने का, वो जरूर कहेंगे। क्या यह कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को बयान नहीं करता है कि पुलिस और वकील इस तरह आपस में झगड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, आप अगर केवल मीडिया जो सेलेक्टिव ब्रीफिंग है मीडिया की उसी को देखेंगे तो शायद आपको इसका अनुमान नहीं होगा। बेसिक बात यह है कि एक पार्किंग की बात पर मैं मानता हूं, क्षण भर के लिए मान भी जाए कि वकील साहब गलत है, उन्होंने गलत पार्क कर दी तो उनका चालान बना देते, गाड़ी सीज कर देते, लेकिन उनको 20-25 पुलिस वाले, वीडियो अवेलेबल है, 20-25 पुलिस के लोग ले जाएं, मारपीट करें, बैरक के अंदर ले जाके बंद कर दें। एसोसिएशन के लोग आए, उन्होंने कहा भाई इनको छोड़ दीजिए, उनके साथ मारपीट करते रहे, अंदर बंद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट जज भी गए, तब भी उन्होंने नहीं माना। तो निश्चित रूप से अगर पुलिस अगर किसी के साथ में ऐसा व्यवहार कर रही है तो उनके साथी उसे छुड़ाने की तो कोशिश करते, ये तो एक प्राकृतिक बात है कि अगर अपना कोई साथी जिसके साथ अन्याय हो रहा है और जब उसके साथी वहां मौजूद है तो नेचुरली ऐसा सब कुछ होगा। तो ये सारा बवाल जो है पुलिस ने किया, और उसके बाद जिस ढंग से पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, चैंबर्स को तोड़ दिया, मैं खुद दिल्ली गया हूं और मैंने दिल्ली में देखा है कि किस तरह से वो चैंबर्स को तोड़ रहे हैं और किस तरह से उन्होंने महिलाओं के साथ बाथरूम से निकाल निकाल कर मारा है। रादर मैं ये कहूंगा कि कई सारी हमारी बहनों ने कहा कि हमें सेक्सुअल मोलेस्ट किया, अब्यूज किया। तो ये जो स्थिति है आज जो भी चित्रण किया जा रहा है, तो वकील तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और हम लॉ अवॉइडिंग सिटीजन है, हम खुद लॉ को एनफोर्स कराने के लिए अदालतों में रोज गुहार करते हैं। हम खुद लॉ को मानने वाले लोग हैं, लॉ अवॉइडिंग लोग हैं हम, और हमारे साथ इस तरह की बदसलूकी, तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होता होगा उनका, ये बड़ा सोच का विषय। वकील मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि वे एक पक्षी है, तो 30,000 में जो घटना हुई है उसमें आपका पक्ष क्या है? हमारा पक्ष तो मैं आपको जैसा कि कह चुका हूं, हमारा पक्ष साफ है। एक अगर पार्किंग का झगड़ा था तो वो कोई वकील साहब आतंकवादी तो नहीं थे, और ये जो मीडिया जिस ढंग से कह रहा है कि काले कोट के गुंडे, हाईली ऑब्जेक्शनेबल है ये, और इसके लिए हम जाएंगे प्रेस काउंसिल को भी हम एजुकेट करेंगे, और जो भी हमारे लीगल रेमेडीज होगी वो अवेल करेंगे। आप किसी एक पक्ष को ऐसा कैसे कह सकते हैं? इतने एस्टीम्ड लॉयर कम्युनिटी को आपने गुंडा कह दिया, और मीडिया एक पक्ष को दिखा रहा है। रोज कस्टोडियल डेथ की खबर नहीं आती, जनता के साथ बदसलूकी की खबर नहीं आती, हर हर चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे समाज का कोई तबका हो,
उनके साथ इनका व्यवहार तो ऐसा ही रहता है। पुलिस और लॉयर में ही संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि लॉयर बहुत नजदीक से जानता है कि किस तरह का पुलिस गैर कानूनी काम कर रही है, करप्शन में लिप्त है, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। आप ऑटो वालों से पूछिए, आप व्यापारियों से पूछिए, शहर के किसी तबके से पूछिए। और जब वकील इनका विरोध करते हैं, अदालतों में इनके खिलाफ लड़ते हैं, कस्टोडियल डेथ के खिलाफ लड़ते हैं, कितने ही पुलिस ऑफिसर चले गए, क्या वो गुंडे हैं? तो अपनी अनैतिक गतिविधियों को वकीलों के ऊपर लादना ये सरासर गलत है। और मीडिया जिस ढंग का एक पक्षी रवैया, ये मीडिया भी पिटता है, मीडिया के साथ भी पुलिस बहुत बदतमीजी करती है। आज जिस ढंग का एक माहौल बनाया जा रहा है कि वकील, पूरा वकील समाज गुंडों में तब्दील हो गया है, काले कोट वाले गुंडे हो गए। आपको याद रखना चाहिए काले कोट वाले जज भी होते हैं जो देश के संविधान की रक्षा करते हैं, संविधान की व्याख्या करते हैं, कानूनों को लागू करवाते हैं। आप सब सारे काले कोट को गुंडा कह दिया आपने, और पुलिस के तमाम आला अफसर बैठे हुए थे और उनके सामने वो इस तरह की हरकत कर रहे थे, क्या ये पुलिस रूल्स का वायलेशन नहीं है? अगर कानून वकील के लिए है तो कानून पुलिस के लिए क्यों नहीं है? ये सोच का विषय है। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वकील ऐसे सबका पुरजोर प्रतिकार करेगा। राजस्थान का वकील, मैं राजस्थान की तरफ से वहां के मुख्यमंत्री से मिलकर आया हूं, वहां के जिम्मेदार लोगों से मिला हूं, वहां मैंने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, और राजस्थान में भी अनरेस्ट है। राजस्थान के वकील भी बहुत दुख से भरे हुए हैं, उनके साथियों के साथ कोर्ट कैंपस के अंदर अगर खाकी वर्दी पर आंच ऐसा मीडिया छाप रही है तो क्या हमारा काला कोट कोई वर्दी नहीं है? क्या हमारे लीगल राइट्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है? हमारे वर्क प्लेस पर आर्टिकल 50 पावर देता है कि जुडिशियल प्रीमाइसेस में जुडिशियल एक्टिविटी कार्यपालिका से अलग रखी गई है। यह सीधे सीधे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी हमला है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान का वकील दिल्ली के वकीलों के साथ, देशभर के वकीलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और अगर यही स्थितियां बनी रही तो निश्चित रूप से फिर टकराव होगा, फिर ये सरकार है, ये जिम्मेदार लोग देखेंगे। जिस ढंग से मीडिया ने एक पक्षीय चीजें दिखाना शुरू किया है, मैं मीडिया की भी निंदा करता हूं। बिके हुए लोग हैं वो, चैनल हाउस, मीडिया हाउसेस एक पक्षीय खबरें देते हैं। धन्यवाद।